हेलो एवरी वन टुडे वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर टू फ्राम सेकेंड ईर बायोलॉजी द एक्सक्रिएशन इन मैन आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सक्रिएशन इन मैन होती है रिस्ट्रिक्टली अगर हम बात करेंगे uh, तो एक्सक्रिएशन क्या है कि ये रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अमोनिया की एक्सक्रिएशन हो गई जैसे कि यूरिया की एक्सक्रिएशन हो गई करेटीनाइन की एक्सक्रिएशन हो गई और आ, जो है यूरिक एसिड की एक्सक्रिएशन हो गई अगर ब्रॉडली हम बात करेंगे तो एक्सेस अमाउंट वाटर की हो गई साल्ट की हो गई जो भी एक्सेस अमाउंट में चीज़ें एक्सक्रीट होंगी बॉडी से बाहर निकलेंगी तो उसको हम एक्सक्रिएशन कहेंगे आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रिएशन इन मेन तो मेन के अंदर वो कौन से ऑर्गान हैं जो एक्सक्रिएशंस का काम करते हैं तो किडनी से एक्सक्रिएशन भी होती है और ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है किडनी एक्सक्रीट करती है यूरिया को अगर हम बात करेंगे लिवर की तो लिवर में जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं या जो बाइल पिगमेंट्स हैं जो कि जैसे कि बिल्युबिन हो गया या बिल्वरडिन हो गया इनकी जो एक्सक्रिएशन होती है वो लिवर के अंदर एक्सक्रिएशन होती है और हमारी जो स्किन है स्किन के अंदर साल्ट और सम अदर सबस्टेंस जो है एक्सक्रीट होते हैं थ्रू द प्रोसीजर ऑफ परसपैरेशन ये जो स्विटिंग्स ग्लेंस होते हैं या जो पसीना आ रहा होता है ये भी एक एक्सक्रिएशन है आज हम इन डिटेल में बात करेंगे लिवर आ, के बारे में कि लिवर एन इम्पॉर्टेंट होमोस्टेटिक ऑर्गेन होमोस्टेटिक ऑर्गेन है जो कि रेगुलेट करता है लिवर थर्मोरेगुलेशन का काम करता है एक्सक्रिएशन का काम करता है अगर लिवर के बारे में हम बात करेंगे तो लिवर आ, एक इंटरनल लार्ज ऑर्गेन है और ये एक ग्लेंड का भी काम करता है क्योंकि ये कुछ सम केमिकल्स को सीक्रेट करता है और केमिकल्स को स्टोर भी करता है इसलिए इसको हम ग्लेंड भी कह सकते हैं और इंटरनल लार्ज जो है ऑर्गे आर्गान है और ये होता कहाँ पे है बिलो द डायाफ्रेम डायाफ्रेम के नीचे अब डायाफ्रेम क्या है कि अगर ह्यूमन बॉडी बा, का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये थोरेक्स है और थोरेक्स के यहाँ यहाँ पे एक मस्क्यूलर जो है मेम्ब्रेन होती है जिसको डायाफ्रेम कहते हैं और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आ जाता है उसको कहते हैं एबडोमिन यहाँ पे एब्डोमिन है और ये थोरेक्स ये थोरेक्स है थोरेक्स में यहाँ पे स्टेनम होती है और रिब्स वगैरह आ जाती है ये वाला हिस्सा जो थोरेक्स है थोरेक्स से नीचे यहाँ पे एक मस्कुलर जो है मेम्ब्रेन होती है जिसको डायाफ्रेम कहते हैं और डायाफ्रेम के नीचे राइट साइड पर राइट हैंड पे लिवर मौजूद होता है ये तो हो गई लिवर की लोकेशन के राइट साइड पे मौजूद होता है और ये पैरेलल टू ड्यूटेनियम ड्यूटेनियम और इस्टोमिक होता है ये अगर आप ये देखेंगे तो ये ईसोफेगस है और ये स्टामिक है और इस्टोमिक और ये यहाँ पे ड्यूटेियम है ये वाला ड्यूटेनियम है और ये लिवर है अगर आप लिवर को देखेंगे कि ये स्टोमिक और ड्यूटेनियम के बिल्कुल बराबर है और ये स्टोमिक के पीछे बिहाइंड द स्टोमिक होता है और इसके लिवर के साथ जो है गाल गाल ब्लेडर भी मौजूद होता है जिसको पिता कहते हैं यहाँ पेप्ता भी मौजूद होता है जिसको गाल ब्लेडर कहते हैं ये बाइल डक्ट है और ये हेप्टोपेक्रियाटिक डक्ट है जो कि ड्यूटेनियम में ओपन हो रही है अगर हम लिवर को मजीद देखेंगे तो लिवर में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड uh, की होती है इस वजह से इसका कलर जो है जो रेडिश ब्राउन कलर का रहता है लिवर को अगर और जूम करके हम देखेंगे तो लिवर के दो पोर्शन है एक राइट right लोब है और एक लेफ्ट uh, लोब है इसके एक राइट right लोब है और एक लेफ्ट लोब है अगर आप लिवर को देखेंगे तो इसमें वेंस मौजूद हैं इनको हेपा हेपाटिक वेंस कहते हैं हेपाटिक वेंस के अंदर जो सीक्रेशंस होती हैं लिवर में जो सीक्रेशंस होती हैं उसकी कोलेस्ट्रॉल्स की या ब्लूरोबिन की आ, तो जो कोलेस्ट्रॉल एक्सेस अमाउंट्स में है वो यहाँ से आ, इस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट जो कि पोर होती है कहाँ पे गॉल ब्लेडर में गाल ब्लेडर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गाल ब्लेडर हम पिते को कहते हैं और यहाँ से गाल ब्लेडर से एक डक्ट निकलती है जिसको कहते हैं बाइल डक्ट बाइल डक्ट अब देखें बाइल डक्ट जैसे नीचे की तरफ हम देखेंगे तो इस बाइल डक्ट के साथ एक और डक्ट कनेक्ट है इसको पैन क्रियाटिक डट कहते हैं ये पेन क्रियाटिक है और ये पेन क्रियाज है ठीक है अब ये जो दोनों तीनों डक्ट खुल रही है तो इस डक्ट को हम कहते हैं हेप्टो पैन क्रियाटिक डक्ट जो कि खुल कहां पे रही है यहां पे ड्यूटेनियम में ठीक है तो ये हो गई लिवर की मार्फोलॉजी uh, और लिवर की एनाटॉमी अगर लिवर के हम फंक्शंस देखेंगे तो लिव, लिवर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस हैं लिवर के हमारी बॉडी में नंबर वन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म कार्बो कार्बोहाइड्रेट की यानी कि ग्लूकोज़ की लिपिड्स की और प्रोटीन की और उनमें से एनर्जी रिलीज होना ये जो प्रोसीजर है ये बिलिवर करता है तो हम कह सकते हैं कि इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज़ ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है अगर एक्सेस अमाउंट्स में ग्लूकोज हमारी ब्लड में आ जाए हम मीठा ज़्यादा खा लेते हैं तो ग्लूकोज़ की लेवल अगर बढ़ जाए तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिन ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजिन को स्टोर करता है लिवर में और ज़्यादा अमाउंट अगर ग्लाइकोजिन की होगी तो उनको आगे जो हेप, हेपाटिक डक्ट हैं उनके थ्रू ब्लड में भेज देगा और ब्लड से बाद में मसल्स में स्टोर हो जाएंगी तो ग्लाइकोजिन स्टोर्ड होती हैं कहाँ पे लिवर में और मसल्स में आगे अगर शॉर्टेज हो जाए फ़ ग्लूकोज़ uh, की शार्टेज हो जाए अगर खाना हो आप कम खा रहे हैं और ग्लूकोज़ का इंटेक कम हो रहा है तो इस सूरत में जो स्टोर शुदा ग्लकोजिन है दोबारा ये ग्लैकोजिन जो है लेवर इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में अगर uh, इतफ़ा ग्लाइकोजिन की भी शॉर्टेज हो जाती है डिप्लेटेड हो जाता है ग्लाइकोजिन भी ख़त्म हो जाता है तब लेवर के पास ये चॉइस होगी कि अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन को ये मे भी कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज में तो अगर हम एक और फंक्शन को देखेंगे तो ये रिमूव करता है लिपिड्स को ज़्यादा तादाद जो लिपिड्स की होती है लिवर जो है उसको रिमूव करता है कैसे या तो उनकी ऑक्सीडेशन या तो लिपिड्स की ऑक्सीडेशन कर देगा या तो लिपिड्स को मॉडिफाई कर देगा किस में फेड्स में और उन फेड्स को सब किटिनस यानी कि स्किन्स के नीचे स्टोर कर देगा या तो लिवर में जो है फेड्स को स्टोर करेगा कभी कभी आपने सुना होगा कि लिवर जो है वो फेटी हो जाता है तो जो लिपिड्स हैं वो चेंज होते हैं फेट्स में इट सेंथिसाइज द नॉन इसेंशियल अमायनो एसिड्स नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी खुद बनाती है जो कि हमें खाने से नहीं मिलते फूड से नहीं मिलते एक्सटर्नली अमायनो एसिड्स हम नहीं लेते हमारी बॉडी बनाती है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है और इसेंशियल एसिड्स जो हमें फ़ूड से मिलते हैं जो हमें एक्सटर्नली अमाइनो एसिड्स मिलते हैं वो ना वो इसेंशियल अमायनो एसिड्स से हैं ठीक है ठीके? और प्लाज्मा प्रोटीन बनाना भी इसका काम है जैसे प्रोथ्रोम्बिन है फिबारिन है और ग्लोब्यूलिन है ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जैसे प्रोथ्रो थ्रोम्बिन है ये जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है और थ्रोम्बिन से ये वाइटामिन के बनाती है तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में काम आती हैं आगे हम इसका नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे